हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बीए फर्स्ट ईयर एग्जाम में उनको, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो लगभग पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रीतिकाल को क्या कहते हैं, यह पहला प्रश्न है। दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा, जैसे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के उनका प्रैक्टिस कर लें। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, वर्तमान काल, भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर मध्यकाल। दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया, पंत ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर राजकुमार वर्मा ने। तो रीतिकाल को जो रीतिकाल नाम दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। तीसरा प्रश्न है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का जो रीतिकाल है उसमें लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ। चौथा प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता कौन है। ललित ललाम एक पुस्तक है और प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य में। और आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य में ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं रचयिता यानी कि पुस्तक के लेखक, ये कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से याद कर लेना है जितने भी पुस्तक के लेखक हैं यानी रचयिता है। लगभग एक दो प्रश्न आपको ऐसे देखने मिल ही जाएंगे। तो ललित ललाम के जो लेखक हैं वो हैं मतीराम, यानी ऑप्शन नंबर ए, आपको याद कर लेना है। पांचवा प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, डॉक्टर सत्येंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर नागेंद्र ने। तो रीतिकाल को जो श्रृंगार काल जो कहा था, उन्होंने कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। छठा प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है। देखिए, रचयिता के काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे, मैंने आपको इसलिए बोला कि इसको अलग से आप चाहे तो याद कर सकते हैं, होगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक के लेखक पूछे जाते हैं उसके सारे को एक करके मैं वीडियो बना दूंगा। और छठा प्रश्न देख लेते हैं, भाषा भूषण के रचयिता देव, जसवंत सिंह, भूषण, या फिर ग्वाल। देखिए, भाषा भूषण जो पुस्तक है उसके रचयिता हैं जसवंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन है, बिहारी, ठाकुर, घनानंद, या फिर देव। तो इनमें जो रीतिबद्ध कवि है वो केवल बिहारी है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आठवां प्रश्न है, सरजोबाई किस काल की कवित्री थी। कवित्री थी ही होना चाहिए, है नहीं, थी ही होना चाहिए। वर्तमान काल, भक्ति काल, आदिकाल, या फिर रीतिकाल। तो सरजोबाई थी वह रीतिकाल की जो है काफ़ी महत्वपूर्ण या फिर कहें कि फेमस कवित्री थी। नवा प्रश्न है, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या है, प्रेम, श्रृंगार, ज्ञान, या फिर विषय शक्ति। देखिए, जो रीतिकाल हुआ करता था उसका जो प्रमुख विषय था वो था श्रृंगार, यानी ऑप्शन नंबर बी। दसवां प्रश्न है, शिवा बावनी के लेखक कौन है, मतीराम, भूषण, रसलीन, या फिर देव। देखिए, शिवा बावनी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य में उसके लेखक हैं भूषण, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और अपने दोस्तों के साथ जो आपके बीए के स्टूडेंट हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, 11वां प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा, त्रिलोचन ने, बिहारी ने, बोधा ने, या फिर केशवदास ने। तो रीतिकाल को जो अंधकार काल, त्रिलोचन ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, छत्र प्रकाश किसकी कृति है, घनानंद, मतीराम, देव, या फिर बिहारी की। तो छत्र प्रकाश जो कृति है वह है यानी देव की, यानी ऑप्शन नंबर सी। 13वां प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, बिहारी ने, बोधा ने, या फिर डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने, या फिर रसलीन ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल ने। 14वां प्रश्न है, इनमें से रीतिकाल कवि कौन नहीं है, यानी इनमें से जो कवि हैं रीतिकाल के कवि कौन नहीं है। आपको पता होगा, बेनी जो है रीतिकाल के कवि है, याकूब खां भी रीतिकाल के कवि है, और दूल्हा, ये तीनों जो है रीतिकाल के कवि है, लेकिन केवल रस खान का आपने नाम सुना होगा। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे जो है कविता लिखते हैं और कवि हैं, तो इनकी कविता आपने पढ़ी भी होगी 10वीं कक्षा में, और काफ़ी अच्छा इन्होंने कविता लिखा है। तो यह जो थे रीतिकाल के कवि नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, श्री कृष्ण चरित किसकी रचना है, लाल कवि, सोमनाथ, श्रीधर, या फिर सुरित सुरति मिश्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
श्रुति मिश्र यानी ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है, शब्द रसायन किसकी कृति है, घनानंद, बिहारी, देव या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए शब्द रसायन जो है वो देव की कृति है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, देव ने, सोलंकी, राजा रुद्र या फिर कोप या फिर ग्वाल। देखिए भूषण जो थे उनको कवि भूषण यानी कि महान कवियों के में एक उपाधि होता है कवि भूषण, इसकी जो उपाधि थी भूषण को जो है वो दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, रीति काल काव्य की विशेषता नहीं है, रीति निरूपण, राष्ट्रीय भावना, चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगार की प्रमुखता। देखिए रीति काल में तो श्रृंगार की प्रमुखता तो थी, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे चमत्कार प्रदर्शन भी था, रीति निरूपण भी था, ये तीनों चीज़ था, लेकिन राष्ट्रीय भावना जो था ये नहीं था, विशेषता नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ का जो अभिप्राय है यानी इसका मतलब क्या है, प्रहसन, महाकाव्य, चरित काव्य या फिर काव्यांग निरूपक। तो लक्षण ग्रंथ का जो अभिप्राय यानी इसका जो मतलब है वो है काव्यांग निरूपक, ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है, रसराज कृति किसकी है, ठाकुर की, बिहारी की, मतीराम की या फिर देव की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मतीराम की। 21वां प्रश्न है, इस कलता के रचनाकार का नाम, बोधा, ठाकुर, आलम या फिर देव। तो इस कलता जो है काफ़ी पुस्तक अच्छी है और इसके जो रचनाकार हैं इनका नाम है बोधा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न देखेंगे, रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है, सुजान सिंह, जय सिंह, नृ सिंह या फिर पृथ्वी सिंह। जो रसनिधि है उसका जो वास्तविक नाम है पृथ्वी सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, रीति काल में रचित अधिकांश काव्य किस प्रकार के हैं, चंपू, कथा काव्य, मुक्तक या फिर प्रबंधन। तो ये जो रीति काल है इनमें जो अधिकांश जो काव्य है वो रचे गए हैं वो मुक्तक के रूप में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, हरनी के नैनानु ते हिरनी के नैन में कौन सा अलंकार है, सलेश, रूपक, यमक प्रतीक या फिर अतिशोक्ति। इसमें जो अलंकार है यह यमक प्रतीक यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको उतना इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको बस ये याद कर लेना है क्योंकि यह जो है काफ़ी बार पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है और ऐसा संभावना है कि आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और कहीं ना कहीं ऐसा पूछ भी लिया जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं 25वां प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र रीति का प्रवर्तक किसे माना जाता है, आपके ऑप्शन हैं केशव दास, रहीम दास, मतीराम या फिर भूषण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केशव दास। 26वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पद्माभरण किसकी कृति है, घनानंद की, भूषण की, पद्माकर की या फिर केशव दास की। जो पद्माभरण है आपको नाम से ही पता चल रहा है वो है पद्माकर की कृति, यानी पद्माकर ने जो है इसको लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रीति काल में रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ, धर्म में, वेद में, परंपरा में या फिर काव्यांग निरूपण में। तो आपको रीति काल में जो रीति शब्द का प्रयोग है यह काव्यांग निरूपण में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, निम्न में से रसराज किसकी कृति है, जो रसराज है वह कृति है मतीराम की, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, रीति काल किस काल के बाद आता है, वर्तमान काल, भक्ति काल, आदि काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रीति काल का जो आगमन था वो भक्ति काल के बाद था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, शिवराज भूषण में अलंकारों की कितनी संख्या है, 105, 520, 220, 600। तो शिवराज जो भूषण जो है अलंकार उसमें पूरी जो संख्या है वो है 105, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगला किस टॉपिक पे चाहिए कि आपको हिंदी में जो क्वेश्चन आंसर है वो करवा दूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।